Good morning students. Students, today our topic is properties of definite integrals. Properties of definite integrals are very useful in evaluating the definite integrals. So let's see the properties. So today we will discuss these three properties of the definite integrals. There are some more properties which we will discuss in the next video. So the first property is integration from a to b fx dx is equal to integration from a to b ft dt. It means if we replace the variable x by variable t in the given integral, given definite integral, then the value of the definite integral will remains the same. आप x के place पे कोई भी दूसरा variable use करोगे तब भी इसकी value यही मिलेगी, ठीक. और इसको आप prove कर सकते हो by substituting x is equal to t. If we substitute x is equal to t, then this will imply dx is equal to dt. और इसमें limits भी का साथ में choose करेंगे हम, change करेंगे. तो at x is equal to a, we will get t is equal to a. तो t के terms में भी limit a ही रहेगी, lower limit. और upper limit at x is equal to b, we will get t is equal to b. तो upper limit भी क्या रहेगी, b ही रहेगी. और x के place पे क्या हो जाएगा, t आ जाएगा. तो fx क्या हो जाएगा, ft हो जाएगा. और dx के प्लेस पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, ठीक है. तो ये इंटीग्रल इसी के इक्वल आ जाएगा. दोनों में चेंज क्या होगा, सिर्फ वेरिएबल चेंज होगा. तो इस प्रॉपर्टी में यही है कि आप इसमें वेरिएबल कुछ भी लिख सकते हो, उससे इंटीग्रल की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. इसके प्लेस पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल ए टू बी एफ यू टी यू. इट मीन्स आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो यहाँ पर. नेक्स्ट इज इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल बी टू ए एफ एक्स डी एक्स. इसका मतलब अगर आप लिमिट्स को इंटरचेंज करते हो, लोअर लिमिट को अपर लिमिट कर देते हो और अपर लिमिट को लोअर लिमिट कर देते हो, तो जो इंटीग्रल का साइन है वो चेंज हो जाता है, क्लियर. तो ये प्रॉपर्टी भी यूजफुल है. ये बीच में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसको अप्लाई करते हैं, कई बार ये यूज होता है. एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल सी टू बी एफ एक्स डी एक्स वेयर सी इज ग्रेटर देन ए लेस देन बी. इस प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है सी बिटवीन ए एंड बी, तो हम इस इंटीग्रल को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं. एक हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स और दूसरा हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है. ये सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बिटवीन ए एंड बी. अगर सी ए और बी के बीच में लाइक कर रहा है तो हम इंटीग्रेशन को इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट्स में. और आप चाहें तो इसको कई पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं. अगर हमारे पास नंबर्स हैं सी वन सी टू ठीक है, हमारे पास कुछ नंबर्स हैं सी वन लेस देन सी टू लेस देन सी थ्री लेस देन सी एन लेस देन बी. अच्छा, हमारे पास सी वन सी टू सी थ्री सी एन नंबर्स है ये, और ये दोनों सभी नंबर्स लाई कर रहे हैं ए और बी के बीच में. तो हम अपने गिवन इंटीग्रल को, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को ब्रेक करके लिख सकते हैं ए टू सी वन एफ एक्स डी एक्स प्लस सी वन टू सी टू एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू टू सी थ्री एफ एक्स डी एक्स प्लस डॉट डॉट प्लस इंटीग्रल सी एन माइनस वन टू सी एन एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल सी एन टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है. तो बस ये कंडीशन है कि ये सभी नंबर्स ए और बी के बीच को लाई करने चाहिए. तो इस तरीके से हम अपने इंटीग्रल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक. तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसको हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में डेफिनेट इंटीग्रल के, क्लियर. अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन फ्रॉम वन टू फोर एफ एक्स डी एक्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस एट फॉर एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू वन एंड लेस देन टू. अगर एक्स की वैल्यू वन से लेके
क्योंकि पहले तक कोई नंबर है, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगी, एफ एक्स की वैल्यू 2x + 8 मिलेगी। और अगर एक्स की वैल्यू 2 से लेकर 4 तक है, के बीच में कहीं पे है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। क्लियर? तो क्योंकि फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है एट एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक, तो हम क्या करेंगे, अपने गिवन इंटीग्रल को 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे यूजिंग द थर्ड प्रॉपर्टी जो भी हमने डिस्कस किए। तो क्योंकि यहां पर 2 जो है ये क्या है, 2 इज लाइंग बिटवीन 1 एंड 4, 2 इज लाइंग बिटवीन 1 एंड 4। तो अगर 1 को हम ए सपोज कर लें और 4 को बी सपोज कर लें और 2 को सी सपोज कर लें, तो सी इज ग्रेटर देन ए लेस देन बी, तो थर्ड प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं यहां पर 1 to 4 एफ एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं इंटीग्रल, क्योंकि 2 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, तो 1 से लेकर 2 तक फर्स्ट इंटीग्रल हो जाएगा प्लस इंटीग्रल 2 to 4 एफ एक्स डी एक्स, ये सेकेंड इंटीग्रल हो जाएगा ब्रेक करने के बाद। और एक्स की वैल्यू जब 1 और 2 के बीच में लाई कर रही है तो एफ एक्स क्या मिल रहा है, 2x + 8, तो एफ एक्स के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2x + 8 dx। और 2 और 4 के बीच में जो x की वैल्यू लाई करेगी तो एफ एक्स क्या मिलेगा, 6x मिलेगा, तो इस केस में एफ एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम, 6x dx। नाउ वी कैन इंटीग्रेट दीज 2 इंटीग्रल सेपरेटली, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, तो फ्रॉम हियर वी विल गेट 2 × इंटीग्रल ऑफ x इज x² / 2 प्लस 8 × इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम 1 to 2 8 dx, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, 8x आएगा। और इसमें लिमिट क्या रखेंगे, 1 to 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 6x विल बी 6 × x² / 2, इसमें भी लिमिट रखेंगे क्या, 2 to 4, यहाँ पे लोअर लिमिट 2 है अपर लिमिट 4 है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और अब हम इसमें लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा, अपर लिमिट रखेंगे पहले पूरे एक्सप्रेशन में, तो 2² × 4 प्लस 8 × 2 16 माइनस 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, और माइनस 8 × 1 - 8 प्लस इसमें जब अपर लिमिट रखेंगे तो 3 × 4² = 16 माइनस 3 × 2² = 4, तो वी हैव 16 + 4 = 20, 20 - 9 - 1 - 8 कितना हो जाएगा, -9, तो 20 - 9 = 11 प्लस 16 × 3 = 48 -3 × 4 = 12, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48 + 11 = 59 - 12, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 59 - 12 = 47, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, 47। इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, थर्ड प्रॉपर्टी जो भी हमने आज डिस्कस की थी, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है यहाँ पे। नाउ लेट्स सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन, इंटीग्रल -5 to 5 मॉड एक्स माइनस 2 dx। और x - 2 dx यही गिवन है हमको। अब यहाँ पे क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है और मॉड x माइनस 2 को अगर हम एक्सपेंड करें, इसको ब्रेक करें, तो हमें पता है मॉड x माइनस 2 क्या होगा, x माइनस 2 होगा और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी या इक्वल होगी तो हमें 0 या पॉजिटिव नंबर मिलेगा, और पॉजिटिव मिलेगा तो अगर अंदर पॉजिटिव मिल रहा है तो जो वैल्यू है वही हमें बाहर भी मिलेगी, ठीक। x माइनस 2 क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो मॉड x माइनस 2 की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस 2 ही आएगी। बट इफ x इज लेस देन 2, अगर x की वैल्यू 2 से कम है तो x माइनस 2 की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और x माइनस 2 क्योंकि नेगेटिव है तो मॉड
काम है कि पॉजिटिव बनाना, तो x माइनस टू को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या लग जाएगा, बाहर से माइनस साइन लग जाएगा, तो माइनस ऑफ x माइनस टू आएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टू माइनस एक्स। क्लियर? तो एक्सपेंड करने पे यही वैल्यू मिलेगी। अब हमें क्या करना है कि क्योंकि ये जो फंक्शन है मॉड x माइनस टू जिसको इंटीग्रेट करना है, ये x इज इक्वल टू टू पे अपना जो है नेचर चेंज कर रहा है। x ग्रेटर दैन इक्वल टू टू के लिए ये कुछ और है फंक्शन, और x लेस दैन टू के लिए कुछ और वैल्यू आ रही है। तो इस गिवन इंटीग्रल को हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, पहला माइनस फाइव से टू तक और फिर टू से फाइव तक, क्योंकि टू से पहले कुछ और है हमारा ये फंक्शन और टू के बाद कुछ और बन जा रहा है फंक्शन। तो i इज इक्वल टू यहाँ पर हम लेंगे माइनस फाइव टू टू, और मॉड x माइनस टू की वैल्यू x लेस देन टू के लिए, यहाँ पे क्या x की वैल्यू लेस देन टू है, माइनस फाइव से टू मतलब लेस देन टू है, तो मॉड x माइनस टू की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, टू माइनस एक्स। या अभी इसको नेक्स्ट लाइन में करेंगे हम, यहाँ पर पहले हम फंक्शन को ब्रेक कर लेते हैं दो पार्ट में। I इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस फाइव टू टू मॉड x माइनस टू और फिर टू से फाइव तक मॉड x माइनस टू dx, फिर दो पार्ट में ब्रेक कर लिया बाई यूजिंग थर्ड प्रॉपर्टी। और अब मॉड x माइनस टू की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि x की वैल्यू लेस देन टू है इसमें, माइनस फाइव से टू के बीच में, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमको टू माइनस एक्स dx। और यहाँ पर सेकेंड इंटीग्रल में x इज ग्रेटर देन टू, x इज लाइंग बिटवीन टू एंड फाइव, तो मॉड x माइनस टू की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, x माइनस टू, और फिर दोनों को इंटीग्रेट करके जो वैल्यू आएगी उसको ऐड कर देंगे, तो टू माइनस एक्स का इंटीग्रल क्या आएगा, टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, और इसमें लिमिट रखेंगे माइनस फाइव टू, प्लस एक्स माइनस टू का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस टू एक्स, इंटीग्रल फ्रॉम टू टू फाइव। क्लियर? और अब इसमें वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, टू इंटू टू फोर, माइनस टू का स्क्वायर अपॉन टू माइनस टू, माइनस माइनस फाइव इंटू टू माइनस टेन, माइनस माइनस फाइव का स्क्वायर कितना होगा, ट्वेंटी फाइव अपॉन टू। तो ये इसकी वैल्यू आ गई, अपर लिमिट रखा हमने माइनस लोअर लिमिट किया, प्लस यहाँ पे फाइव स्क्वायर अपॉन टू मीन्स ट्वेंटी फाइव बाई टू, माइनस टू इंटू फाइव टेन, माइनस टू स्क्वायर अपॉन टू मीन्स माइनस टू, एंड माइनस माइनस प्लस टू इंटू टू फोर, ये वैल्यूज मिलेंगी। अब इसको हम अगर सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर माइनस टू इज टू, माइनस प्लस टेन माइनस ट्वेंटी फाइव बाई टू, और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ट्वेंटी फाइव बाई टू, और ये कितना है आपका, माइनस टेन माइनस टू प्लस फोर, तो ये तो आपका पूरा कैंसिल हो जा रहा है, टू से टू कैंसिल हुआ, टेन से टेन कैंसिल हुआ, ट्वेंटी फाइव बाई टू से ट्वेंटी फाइव बाई टू कैंसिल हुआ। क्लियर? और वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है आपकी, फोर। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, फोर माइनस टू टू प्लस टेन प्लस ट्वेंटी फाइव बाई टू प्लस ट्वेंटी फाइव बाई टू माइनस टेन माइनस टू माइनस ट्वेल्व प्लस फोर। ठीक है, अब इसको आप ऐड करोगे तो 10 प्लस टू ट्वेल्व, और यहाँ भी 12 में ये कैंसिल हो जाएगा,
25 बाई 2 प्लस 25 बाई 2, 50 अपॉन 2 मीन्स 25 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या है 4, तो ये 4 जो है इसमें ऐड हो जाएगा, 25 प्लस 4 29, 29 इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द गिवन इंटीग्रल। तो इस तरीके से आपको थर्ड प्रॉपर्टी यूज करनी है, ठीक है। हम उस पॉइंट पे ब्रेक करते हैं फंक्शन को जहां पर फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर रहा होता है, जैसे यहां पे मॉड एक्स माइनस टू इज चेंजिंग इट्स नेचर इट्स बिहेवियर एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो इसलिए हमने अपने इंटीग्रल को दो पार्ट में ब्रेक किया, एक माइनस फाइव से 2 तक और दूसरा फिर 2 से 5 तक। क्लियर? नाउ दीज आर सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, सो सॉल्व दीज क्वेश्चंस। दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दी प्रॉपर्टीज दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे, सो प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। थैंक यू।